نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی توفیق سے آج دوسری بار ہم دہلی سرزمین کے علاقے سونیا بہار میں ہندوستان کی ایک مایا ناز ہستی جناب فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت فرما رہا ہوں. اس میں شرکت کی سعادت مجھے مل رہی ہے, اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. بعدہ بے شمار بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزماں امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر صدر اجلاس اور دیگر تمام معزز اور محترم علماء کرام, سونیا بہار کے اس اجلاس میں موجود دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام قابل احترام دینی بھائیوں, بزرگوں, عزیز بچوں اور باپردہ خواتین اسلام, تعمیر معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار, آپ کے یہاں نوجوانوں نے پہلے موضوع چنا تھا نکاح اور جہیز, لیکن پھر ایک ذمہ دار کا فون آیا کہ نہیں موضوع بدلنا ہوگا,
अल्लाह का शुक्र है, मेरा हुस्ने जन है कि शायद जहेज के बारे में हमारे नौजवानों ने इस्लाह कर ली है। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हमारी शादियां आसान हों, शरीयत के मुताबिक हों, सुन्नत रसूल के दायरे में हों। तामीर मुआशरा, जिसे मैं अभी मोहतरम सदर इजलास से कह रहा था, मेरा मौजू है तामीर समाज। तो सदर इजलास ने इस्लाह करते हुए कहा, समाज हिंदी है, उसकी जगह मुआशरा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आकर के पोस्टर देखा तो हमारे नौजवानों ने पहले से इस्लाह कर ली, तामीर मुआशरा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये मुआशरा क्या है, ये समाज कौन सी बिल्डिंग है जिसकी तामीर हमको करनी है, जिसका फाउंडेशन हमें रखना है, जिसकी बुनियाद हमें खोदनी और उसको बुलंद करनी है। मेरे भाइयों, ये एक टर्मिनोलॉजिकल लफ्ज है, तामीर समाज स्ट्रक्चर है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप ये जलसा और इज्तिमा कर रहे हैं, ये तामीर मुआशरा का काम है। बोलो जवानों, है या नहीं? भाई चाय पीकर खामोश बैठे हैं आप, है या नहीं? है। चंदे जमा किए आपने ना, आपने कुर्सियां लाकर इकट्ठा की, बिछाए, आपने कैमरेमैन को हायर किया, आपने लाइटिंग लगाई, आपने इश्तेहार छाप कर लोगों को मदऊ किया और बुलाया, और वक्त मुकर्ररा पर आपने इन तमाम खुतबाए किराम और मुकर्ररीन के लिए अपना वक्त निकाल कर यहां आप हाजिर हुए ताकि समाज की तामीर में हिस्सा ले सके। बोलो है या नहीं? तामीर है। अल्लाह ताला इस पर आपको जजाए खैर अता फरमाए। लेकिन नौजवानों, में तामीर पर बाद में आऊंगा कि हमारी ईंटें कैसी हों ताकि समाज उसकी दीवार सीधी हो, मुआशरे का फाउंडेशन कैसा हो ताकि छत उसकी अच्छी तरह से ढाली जा सके। पहले मैं बताऊं कि नौजवानों, तुम कौन हो, तुम्हारा मकाम क्या है, और इस मौजू में बतौर खास आपको हाईलाइट क्यों किया गया है। तामीरे मुआशरा में नौजवानों का किरदार क्यों नहीं कहा गया, तामीरे समाज में इंसानों का किरदार। सब आ जाते लेकिन नहीं, नौजवानों बतौर खास शरीयत ने तुम्हारा जिक्र फरमाया है, इसलिए इस मौजू में बतौर खास तुम्हारा जिक्र करना यह हक है। कहां पर? आओ मैं आपको बता दूं, नौजवानों तुम्हारा मकाम क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, सही बुखारी किताबुल हुदूद 2806 नंबर की हदीस, सबअतुन युज़िल्लुहुम अल्लाह तआला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह व ذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله। आप जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तर्जमानी सुनिए। कयामत के दिन मैदान हश्र में जहां लोग पसीनों में शराबोर होंगे, तैर रहे होंगे, साइबान ना होगा, कोई साया नसीब ना होगा, सूरज एकदम आपके सरों पर करीब आ चुका होगा। मई जून की गर्मियां कितना सताती हैं आपको, हालांकि सूरज बहुत दूर है, एकदम कुछ नेजे के करीब। ऐसे में लोग पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे, साय की तलाश में इधर उधर फिर रहे होंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, उस दिन सात कैटेगरी के लोग हैं, सात कैटेगरी, सात किस्म के लोग। ये सात किस्म के लोग, उनको साया मिलेगा,
किसी और का नहीं, अल्लाह के अर्श का साया। उनमें से एक कैटेगरी आप हो, नौजवान, हमारा जवान, हमारा यूथ, हमारी यूथ विंग। लेकिन शर्त है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उस जवान को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी बिताई हो, जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी बिताई हो। आपका जहन जा रहा होगा कि जिसने नमाज पढ़ ली हो, जिसने रोजा रख लिया हो, जिसने हज बैतुल्लाह कर लिया हो, जिसने सदकात और ज़कात बांट दी हो, यकीनन ये भी है और ये बहुत अहम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करने का नाम नहीं है, कुछ चीजों को ना करने का नाम भी इबादत। जैसे एक अल्लाह के सामने वक्त आने पर रुकू कर लेना, सजदा कर लेना इबादत, ऐसे वक्त आने पर किसी देवी देवता के सामने अपने आप को झुकने से बचा लेना, ये भी क्या है, बोलो क्या है। तौहीद का इकरार करते हुए अल्लाह को सजदे करना जिस तरह इबादत है, ऐसे इसी तौहीद को मानते हुए अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की जात में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करने से बच जाना, ये भी क्या है, इबादत। बल्कि मुझे कहने दीजिए, ऐ मेरे जवान, ऐ मेरे बुजुर्ग, अगर हम और आप अल्लाह के हुक्मों पर, शरीयत के अहकामात पर अमल पैरा हैं, तो जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात और खैरात इबादत हैं, ऐसे हमारा सोना जागना इबादत है, हमारा बिजनेस करना इबादत है, हमारा अपने काम के लिए घर से बाहर जाना इबादत है, हमारा बाजार में अपना सौदा सलब खरीदने के लिए सैर करना जाना इबादत है, लौट कर घर आना इबादत है, बीवी के साथ बिस्तर पर जिंदगी गुजारना इबादत है, सोना तक इबादत है, हमारी पूरी जिंदगी इबादत। शान बुलनशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारी हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्मों का मानकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की तामील करते हुए, शरीयत के दायरे में रहकर जो अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, वह जवान अल्लाह के अर्श के साया तले लगे पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा, ऐ मेरे जवान, तुझे जवानी मिली है तो इसकी कदर पहचान, अपने आप की इज्जत कर। मुस्तदरक हाकिम किताबुर रिकाक 7846 नंबर की हदीस है, इग्तनिम खमसन कबल खमसन, पांच चीजों को पांच से पहले गनीमत जानो। मैं सारी पांच चीजों को नहीं बताऊंगा, पांच को पांच से पहले गनीमत जानो। वक्त मुख्तसर है, बातें तवील हैं, एक चीज बता रहा हूं, पांच को पांच से पहले गनीमत जानो के बीच बहुत खिला दिया है भाई सोनिया बिहार वालों ने, कैसी दुआ उनको दी जाए, बरकत भाई और ले लो और ले लो। ठीक है, अल्लाह ताला अगर उन्होंने ज्यादती की है तो उन्हें माफ फरमाए, उनकी नीयतें अगर ठीक थी तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। पांच चीजों को गनीमत जानो, उनमें से एक चीज है शबाबक कबल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। यानी क्या कर लो, अभी जवानी है, इबादतें कर लो,
पंजोक्ता नमाजों के पाबंद बन जाओ, अभी जवानी है, रमजान आ गया, रोजे रख लो, अभी जवानी है, बिजनेस कर रहे हो, जरा 11 महीने गुजर चुके, 12वां लग गया है, कैलकुलेशन और हिसाब कर लो, गरीबों का हक निकाल कर बांट दो, अभी जवान हो, जाओ अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं बैतुल्लाह का तवाफ करके आ जाओ। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले क्या करो, गनीमत जो। हमारे जवान क्या कहते हैं, हमारे अब्बू बुढ़ापे में गए थे हज करने, मैं ठीक है करोड़पति हूं, क्या हुआ, बुढ़ापा जब आएगा तब मैं भी चला जाऊंगा। नहीं नहीं, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, क्या पता आने वाला दिन मिले ना मिले, आने वाले लम्हात मिले ना मिले। ए जवान, ये किसी मौलवी की बात नहीं, ये किसी आलिम फाजिल की बात नहीं, ये किसी मुफ्ती की बात नहीं, ये किसी दाई और मुबल्लिग की बात नहीं है, ये कायदे इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान ने फरमाया है। इग्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, ए मेरे जवान, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान ले, कदर कर ले, अल्लाह तेरी कदर फरमाएगा, तेरे अमाल की कदर अल्लाह के यहां होगी, बुढ़ापे से पहले कर ले। एक और हदीस सुना दूं, ए जवानों बतौर खास तुमसे क्यों मुखातब हूं, لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس। ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ادھر ادھر کھسک نہیں سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ آدم کی اولاد جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے हश्र के मैदान में उनके कदम इधर उधर खिसक नहीं सकते। एक सवाल ये होगा, पूछा जाएगा वान शबाबी ही सीमा अबला, ए जवान जरा बता, तुझको अल्लाह ने बचपना दिया, जवानी दी, बुढ़ापे तक पहुंचाया, लेकिन जरा बता दे ए जवान, तूने ये जवानी कहां गुजारी, कहां बिताई थी, रोडों पर नजारे करते हुए, हुक्के खानों में बैठकर हुक्का पीते हुए, जुओं के अड्डे पर जाकर लॉटरियां खरीदते और बेचते हुए, शराब के अड्डों पर जाकर शराब पीते हुए, ऐ जवान जरा बता दे। हालांकि रिकॉर्ड अल्लाह के पास है, अल्लाह सब कुछ जानता है, सारी रिपोर्ट पेश हो चुकी है, दलीलें सब मौजूद हैं, और अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है ही, लेकिन सुन लो ताकि आपको दलील पता चल जाए। ए जवानों पूछा जाएगा, जरा बताओ जवानी तुम्हारी कहां गुजरी। इसलिए जवानों आओ आओ, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप समाज और मुआशरे की तामीर और तरक्की में क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं, समाज वालों को आपसे क्या तमन्नाएं वाबस्ता होनी चाहिए, माशरे के लोग आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं। इसलिए कि तारीख अगर पलटेंगे तो ये तारीख हमें बताती है कि कोई जवान थे खालिद बिन वलीद, जिनके दम से फुतूहात, जिनके हाथों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकलाबात लाए, कोई जवान थे उसामा बिन ज़ैद, जो सिपा सालार लश्कर बनाए गए, मुर्तदीन का सर कलम किया गया, कोई थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई थे मोहम्मद बिन कासिम, कोई थे मूसा बिन नुसैर, कोई थे तारिक बिन ज़ियाद, गिनने के चंदना। मेरे भाइयों तारीख उठा के पढ़ लीजिए, ये वो जवान थे जो अज़्म और हौसले के साथ मैदान में उतरे, कदम बढ़ाया तो दुनिया ने इंकलाब देखे, इन जवानों के गर्म लहू ने दुनिया को इंकलाबात दिखाए, तब्दीलियां दिखाई, आते हुए तूफानों का रुख इन्होंने मोड़ा, बहते हुए सैलाबों का रुख इन्होंने फेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी जवानियों में बरकत अता फरमाई, लेकिन क्यों, इसलिए कि ये तामीर समाज का अज़्म और हौसला रखते थे। आओ
वही जवानी अल्लाह ने हमें दी है। हम अज़्म करें हम अपने इन असलाफ की तारीख पढ़ेंगे और उनकी तारीख से सबक लेंगे और समाज की तरक्की और तामीर में उन्हीं की तरह हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी नई नस्लों को असलाफ की हिस्ट्री पढ़ने समझने और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तामीर समाज तामीर मुआशरा क्या है, दो लफ्जों में दो जुमलों में बताऊं, मुआशरे की तामीर ये है कि हमारा नौजवान बुराइयों से अपने आप को बचा ले और समाज में बुराइयों को दबाने और कुचलने का आज़म करे। मुआशरे की तामीर ये है कि हमारा जवान भलाइयों में सबकत ले जाने की, भलाइयों में आगे बढ़ने की, नेकियों के काम में हिस्सा लेने का आज़म कर ले, आगे बढ़ने के हौसले रखे। बस इन्हीं दोनों चीजों का नाम है तामीर समाज। बुराइयों से बचो और भलाइयों में बोलो आगे बढ़ो। जैसे आप ये इज्तिमा कर रहे हैं भलाई का काम है, तामीर समाज है। आओ उस वक्त के नौजवान का एक वाकया आपको सुनाऊं, किस तरह बुराइयों से बचकर समाज और मुआशरे की तामीर में उन्होंने हिस्सा लिया था। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? हमारे नौजवानों के हाथ में आ गया है स्मार्टफोन, सैमसंग, नोकिया और न जाने कौन कौन सी कंपनियां, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और पता नहीं क्या हंग टन है और मुझे नाम भी नहीं याद है, कितने कितने सॉफ्टवेयर आ गए हैं। हमारा नौजवान उसको बिगड़ने के लिए छोटा सा ये आला बस काफी है। सिर्फ उसका जहन अगर तखरीबी बन जाए, तामीरी ना हो, तो घर में बैठकर ऑन फिंगर टिप वो करप्ट बन सकता है। बोलो बन सकता है कि नहीं? सारा यूट्यूब उसके सामने, सारा गूगल उसके सामने खुला हुआ है और आज हमारा जवान यही करता है। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। फेसबुक के जरिए फ्रेंडशिप ये देखे बगैर कि सामने वाला कौन है, लड़की या लड़का, और ये देखे बगैर कि सामने वाली अगर औरत है तो वो कौन है, मेरी महरम जिससे बात करना जायज या गैर महरम जिससे बचना जायज। एक वाकया आप सुन लें, बड़ा दिल दहलाने वाला है। इसी फेसबुक ने दिया, पैदा किया इस वाकये को। अभी कर्नाटक के कुछ हफ्तों पहले एक दौरे पर कुछ उलमा इकराम एक वर्कशॉप में थे, उमराबाद के एक उस्ताद आए हुए थे। उन्होंने कहा, मौलाना फेसबुक ने हमारे जवानों को कहां पहुंचा दिया, हमारे करीब में इसी स्मार्टफोन के जरिया फेसबुक की आईडी खोलकर एक गर्ल एक बॉय, एक लड़का और लड़की एक अरसे से चैटिंग करते थे, नाम बदलकर फोटो बदलकर, और इसी फेसबुक के जरिया चैटिंग करते हुए बातें करते हुए उन्होंने अहदो मुआहदा कर लिया, चलो फला जगह एक दिन मिलेंगे, इतने दिन से बातें हो रही, फ्रेंडशिप हो गई। दोनों जाकर वक्ते मुकर्ररा पर उस जगह पहुंचे, जब आमने सामने हुए तो कहने लगे, आप तो मेरे भाई हो, और वो सामने वाली बहन निकली। फेसबुक ने एक भाई और सगे सगी बहन को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, बुराई की कगार पर। फेसबुक की देन, व्हाट्सएप की देन है मेरे भाई। अभी साबिक मुकर्रर फजीलत शेख हाफिज शकील मेरठी हफिदहुल्ला कितने कीमती बातें बता रहे थे, मुआशरे की तखरीब के लिए जो कोशिशें चल रही हैं उसको मिटाने के लिए आप नौजवानों को वरगला रहे थे, आप नौजवानों को उकसा और उभार रहे थे। लेकिन क्या है मेरे जवानों, आप अहद करते हो कि ये स्मार्टफोन जो आपके हाथों में है गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आज से हम अहद करते हैं
इसका सही इस्तेमाल करेंगे, इस्लाम की खिदमत के लिए, दीन के प्रोपोगेशन के लिए, दीन के कलमे को बुलंद करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, गलत रास्तों पर जाने से बचेंगे, गलत लोगों की फ्रेंडशिप से परहेज करेंगे और इसका मुस्बत और पॉजिटिव इस्तेमाल होगा जो हमारे लिए सबका इजारिया हो। बताओ मेरे जवानों, क्या इसका आज़्म करते हो? क्योंकि आज हर हाथ में ये हैंडसेट मौजूद है, हर हाथ में ये स्मार्टफोन आ गया है, हर बाप अपने बेटे और बेटियों को ये स्मार्टफोन दिलाने के लिए फख्र महसूस करता है। देखो मेरे 5 साल 8 साल बच्चों के हाथ में 50,000 का स्मार्टफोन, और वो कहता है मेरे लिए फख्र की बात। ए मेरे बुजुर्ग अपने नई नस्लों को तबाह करने जा रहे हैं। अरे जवानों, मेरे मुखातब आप हो, बुजुर्गों को मैं बतौर जुमले मोतरजा ला रहा हूं। मैं आपसे यह अर्ज लेना चाहता हूं, बताओ क्या तुम तामीर समाज के लिए इस बात का अहद करना चाहते हो कि हमारा ये स्मार्टफोन, अगर हमारे हाथों में ये व्हाट्सएप चलेगा, ये फेसबुक अगर यूज होगा, तो हम इसका सिर्फ सही और दीनी इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल से बचेंगे? बोलो क्या अहद करते हो? बोलो करते हो? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा हाथ उठाओ तो। तकरीबन 95% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, उठाओ जरा, मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह जवानों को उनके हौसले में अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ोतरी और तरक्की अता फरमाए, उन्हें अपने अज़्म और हौसले को बरूए कार लाने की तौफीक दे। अगर ये अज़्म आपने किया है, अल्लाह की कसम, अब आपके खिलाफ अगर आपने गलत इसका इस्तेमाल किया है, ये जमीन गवाही देगी, इन कुर्सियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलवा लेगा और आपके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आपने जो आज़्म जाहिर किया है, अल्लाह की कसम मैं समझता हूं, अगर आप सिर्फ अपने इसी अहद पैमान पर पूरे उतर आए और अगले साल के आने तक आपने इसी अहद पैमान का मुजाहरा किया, तो बस आपका जलसा कामयाब है। इसलिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज ये सब कुछ आपके हाथ में है, इसी से फसाद और बिगाड़ भी आ रहा है और इसी से आप बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव तामीरी काम भी कर सकते हो, और बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। कितनी कुरानी आयात का तर्जमा लिख करके भेजते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, कितनी अहादीस रसूल का तर्जमा लिख करके भेजते हैं दूसरों को, लोगों को इल्म पहुंचाते हैं इसी फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, कितनी अच्छी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें तहकीक के बाद सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, कितनी तकरीरें यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद अवाम के कानों तक इसे पहुंचाते हैं। बोलो क्या यह सवाब का काम है या नहीं? है या नहीं? नौजवानों, तुम कर सकते हो, बोलो कर सकते कि नहीं? करो, तुम कर सकते हो। अल्लाह की कसम, अगर कैसा करते हो तुम, तो तुम समाज के तामीर में हिस्सा ले रहे हो, माशरे की तरक्की के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारी ये कोशिश काबिले मुबारकबाद। एक नौजवान का वाकया सुनाने जा रहा था, मुस्तदरक हाकिम 2701 नंबर की हदीस 2701। इनका नाम है मरसद बिन अबू मरसद अल गनवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े ही पहलवान सहाबी, बड़े ही ताकतवर, हट्टे कट्टे, हिजरत करके मदीना आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मरसद, बहुत सारे तुम्हारे भाई तुम्हारी बहनें अब भी मक्का की सरजमीन में कराह रहे हैं, इसलिए कि मक्के वालों ने, काफिरों ने उनको बेड़ियों में जकड़ रखा है, वो उनको छोड़ते नहीं कि वो हिजरत करके आए। तो मरसद, तुम उनको जाकर बेड़ियों से रातों रात छुड़ाकर खोल कर मदीने की राह पर लगा सकते हो, तुम कर सकते हो मरसद, ऐसे जवान तुम हो जिससे मुझे ये उम्मीद है। देखो तामीर समाज का काम। मरसद ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, मुझे कबूल, आने लगे।
अपने साथियों के साथ मक्के आने लगे। क्यों? ताकि अपने उन साथियों को जो गुलाम हैं मक्के वालों के लेकिन मुसलमान हैं, जो बांदियां हैं मक्के वालों की लेकिन मुसलमान हैं, जिनको बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, कैदो बंद कर दिया गया है, उनको रातों रात बेड़ियों से आजाद करके मदीने की राह पर लगा आए। मरसद कहते हैं एक रात में आया, शाम ढलते मक्के पहुंचा। मैं मक्के के बाहर एक बागीचे की चहार दीवारी थी, वहां छुप गया कि रात हो जाए, लोग सो जाएं तब मैं जाऊं और किसी की आजादी के लिए कोशिश करूं। कह रहे हैं जब रात अच्छी तरह से उग आई, चांदनी रात थी, मुझे यकीन हो गया कि अब लोग सो गए होंगे, तो मैं दीवार के किनारे किनारे चलते हुए मक्के की तरफ बढ़ा। इतने में आते हुए एक साया दिखाई दिया और बस मेरे सामने था ये साया, और ये किसी और का नहीं था, एक खातून, एक लेडी का साया था। ये खातून थी अनाक ऐन नून अलिफ का, एक लेडी जो काफिरा थी, मुशरिका थी। इत्तफाक से ये वो लेडी थी कि जमाने जाहिलियत में जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो मेरे मुआमलात और ताल्लुकात इससे थे, बातचीत मेरी इससे थी, याराना मेरा इससे था। वो आकर सामने कहने लगी, ऐ मरसद तुम हो? हाँ मैं हूं। क्या हुआ? कहा मरसद, बड़े जमाने के बाद मिले हो, पुराने लम्हात तुम्हें याद है, मेरी गोद में इन रातों में कीमती लम्हात तुमने गुजारे थे। ऐ मरसद, बड़े जमाने के बाद मिले हो, रात का सन्नाटा है, तन्हाई है, लोग सो रहे हैं, मैं हूं और अकेले तुम हो, चांदनी रात है, ऐ मरसद चलो ये लम्हात मेरे साथ गुजार लो, एक और यादगार बना ले। नौजवानों जरा महसूस करो, रात की तन्हाई, खातून दोशीजा नौजवान लड़की सामने खड़ी है और किसी पहलवान नौजवान के सामने, ऐसे में क्या अपने नफ्स पर काबू कर लेना मामूली बात है? बोलो, बुराई के तमाम मौके मैसर हैं, बड़ा आसा है यारों में, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बड़ा आसा है यारों में माज़ अल्लाह कह देना, बड़ा मुश्किल है खलवत में माए गुलगुन से बच जाना। तन्हाई हो, सन्नाटा हो, जवानी आवाज दे रही हो, कोई खातून बुला रही हो, जरा बचाओ, बताओ मेरे जवानों, आज की तारीख में ऐसा जवान कहां मिलेगा, किस गली में मिलेगा, किस कूचे में मिलेगा, किस बिल्डिंग में मिलेगा, किस हवेली में होगा, कौन सी झोपड़पट्टी का रहने वाला होगा, कौन से बंगलों और फ्लैट में उसका मस्कन होगा, जरा जाओ चराग लेकर के ढूंढो, मोमबत्तियां जला करके तलाश करो और लेकर के आओ। यह है वो जवान जिसको बुराई का मौका था लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया। है हम में आज, लेकिन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द, थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। मरसद जवाब देते हैं, ऐ अनाक आई एम मुस्लिम, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हो गया हूं। अच्छा क्या हुआ? मुसलमान हो गए हो तो तुम्हारा दीन और धर्म हमारी मोहब्बतों के ताने बाने के बीच में क्यों आ रहा है? आज भी हमारे जवान कहते हैं ना, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, बीबीए एमबीए कोर्स कर रहे हैं, आके कहते हैं कि अम्मी मेरी शादी के लिए फिक्रमंद मत रहना। क्यों बेटे? अरे मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल गई है। कौन है? वो प्रीति। बेटे वो तो मुसलमान नहीं है, तुम तो मोहम्मद हो। तो क्या हुआ अम्मी, आखिर मोहब्बतों के बीच में हमारा धर्म क्यों आए? नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मी, अब्बू से कहो मेरी शादी वहीं होगी। नहीं बेटे, ऐसा कभी नहीं होगा।
तो ठीक है, मैं आपका घर आपका दर छोड़ के जा रहा हूं। कुछ नौजवान तो यहां तक शरारत करते हैं, अम्मी अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो बस ट्रेन की पटरियां हैं ना, मैं जाकर वहीं सो जाऊंगा। मेरे जवानों, क्या ऐसे वाकयात नहीं पढ़ा है आपने? क्या है ये? तामीर है समाज की? ये मुआशरे की तरक्की है? ये जवाल है? ये तखरीबकारी है? आओ नौजवानों, समाज की तामीर करना है तो किसी मरसद से समझ लो। मरसद कह रहे हैं, ए अनाक, मैं मुसलमान हो गया। अच्छा, धमकी दी, कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी शोर मचाऊंगी, पूरे महल्ले वालों को, मक्के वालों को जगा दूंगी, और अभी पकड़ लिए जाओगे मरम्मत बन जाएगी। ठीक है, जो चाहो अनाक कर लो, लेकिन वो वक्त जमाने जाहिलियत का था और अब मुसलमान हो गया हूं। मेरा इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि मैं अपने हाथों से तुम्हें टच करूं, नहीं छू सकता, मैं दूर हूं। अस्रिउ या अहल मक्का इला रजुल यहमिलु असराकुम, हाजा मरसद या अहल मक्का, हाजा मरसद। मक्के वालों दौड़ो, ये आदमी आया है तुम्हारे कैदियों को छुड़ाने के लिए, लाद कर ले जाने के लिए, आओ पकड़ो, दौड़ो, उठो। मक्के वाले आवाज की तरफ लपके, बिस्तरों से उठ करके कूद पड़े और भागे। मरसद कहते हैं, मैं भी भागा, अपनी जान बचाते हुए अल्लाह से दुआ करते हुए मैं भी एक पहाड़ी की तरफ भागा, और लोग मुझे दौड़ा रहे थे, दूर थे, और मैं भागता हुआ जा रहा था। मैं पहाड़ी से नीचे उतरा, जाकर के केव और गुफा, छोटा सा एक इलाका, मैं छुपने जैसा था, वहां छुप गया। ये लोग दौड़ते हुए आए, पहाड़ी पर खड़े हो गए, मुझे नहीं पा सके। मैं अल्लाह से दुआ करता रहा, अल्लाह मुझे बचा लेने, अंधा कर दे। ये मेरे ऊपर खड़े थे पहाड़ी पर, और मैं पहाड़ी के नीचे था। उन लोगों ने वहां खड़े खड़े पेशाब किया, और वो पेशाब बह करके मेरे ऊपर टपक रहा था, लेकिन मैंने सब्र किया और दुआ करता रहा, अल्लाह मुझे बचा ले इस फितने से। अल्लाह ने बचाया। लोग थोड़ी देर के बाद वापस चले गए, गए अपने घरों में सो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब यकीन हो चला फिर लोग नींद के आगोश में चले गए होंगे, सो गए होंगे, तब मैं फिर मक्के की तरफ चला। चलो अपने किसी भाई को बेड़ियों से आजाद करके मदीने की तरफ ले चलूं। मैं गया और मैंने जाकर के एक भाई को, एक गुलाम को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मैंने उसे खोला, मैंने उसे गोद लिया और ला करके मदीने की राह पर मैंने लगाया और लेकर के चला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पहुंच गया और मैंने सारा वाकया कह सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ऐसा हुआ, आज एक खातून मेरे राह में रुकावट बन गई, रोड़ा बन गई थी। अच्छा, कौन थी वो? पलंग पलंग। एक सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूं? नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम की आयत आई, ऐ मोमिनो तुम अपनी शादियां किसी मुशरिका से ना करो, काफिरा से ना करो, भले वो औरत तुम्हें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगे, भा जाए, आंखों में बस जाए, लेकिन उससे शादी मत करो, क्योंकि वो काफिर है, मुशरिक है। उसके मुकाबले में तो वो लौंडी और बांदी बेहतर है जो ईमान वाली है। और ऐ बेटियों के सरपरस्तो, तुम अपनी बेटियों की शादियां मुशरिक और काफिर मर्दों से मत कराओ, चाहे वो देखने में कितने हैंडसम, कितने खूबसूरत, हसीन और जमील क्यों ना हो, तुम्हारी निगाहों में बस जाएं, फिर भी मत करो उनसे शादियां अपने बेटियों की। उसके मुकाबले में तो वो गुलाम बेहतर है जो ईमान वाला हो। ऐ मरसद, तुम अनाक से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह के रसूल नहीं कर सकते। मेरे जवानों, जरा बताओ, मरसद ने अपने आप को गुनाह से बचाकर समाज और मुआशरे की तामीर का काम किया या नहीं? बोलो, किया या नहीं? तुम्हारे नौजवानों, तुम भी कर सकते हो। अल्लाह ताला बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे मुआशरों का सर्वे कीजिए, कितने हमारे जवान हैं जो बुरी लतों में लगे हुए हैं, किसी बिगड़ायल के हाथ लग गए,
उसने कहा चलो मुफ्त में पिलाऊंगा। कहा चलो कोई बात नहीं, जब पैसा भी नहीं लगता है तो पी लेता हूं। क्या पी लेता हूं भाई? कोका कोला ठंडा, नारियल, क्या पी लेता हूं? तो वो वाइन, इसलिए कि कोई पिलाने वाला है। और धीरे धीरे वो उसका प्रोमोटर बन जाता है, एक गेम बन जाती है। और जाकर के हमारे नौजवान जिनका नाम है जैद, जिनका नाम है बकर, जिनका नाम है खालिद, जिनका नाम है अहमद, जिनका नाम है मोहम्मद, जिनका नाम है फला और फला, लेकिन शराब के अड्डे, जुओं के अड्डे, लाटरियों के अड्डे, आप जाओ सर्वे कर लो, देख लो। लेकिन ऐ मेरे जवानों, बताओ जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, अगर तुम्हारे नौजवानों का ये टोला शराब के अड्डों से जुड़ गया, जुओं के अड्डे से जुड़ गया, लाटरियों के अड्डे से जुड़ गया, तखरीब कारी कर रहा है, या बताओ तामीर का काम, समाज की तामीर है या तखरीब? क्या है? तखरीब के लिए अल्लाह ने तीन अलग अलग स्टेप्स लिए, अलग अलग मौके पर कुरान की आयात उतारी। इसलिए कि अरब के लोग शराब इस कदर पीते थे जैसे हम पानी पीते हो मटके में रखकर। यह हालत थी अरबों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मायदा सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 90 उतारी, 90 आखिर में, और कहा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي إيمان لانے والو دیکھو شراب الخمر والميسر جوا والأنصاب آس और वो आस्ताने जहां गैर अल्लाह के नाम पर लोग कुर्बानियां देते हैं, वल अज़लाम पांसे के तीर जिससे लोग बदफाली लेते हैं, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, इन चार चीजों का जिक्र किया, शराब, जुआ, गैर अल्लाह के नाम के आस्ताने, पांसे के तीर, बदफाली लेना, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये पलीद गंदे शैतानी काम है। फजतनिबू, तो क्या करो? इससे बचो, अवॉइड देम, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शराब हराम हुई कि नहीं? बोलो, इस आयत में शराब हराम हुई कि नहीं? हो गई। क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे मुनादी, जाओ मदीने के गली कूचों में आवाज लगा दो, शराब हमेशा हमेश के लिए हराम हो गई। अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल मजालिम बाबु सब्बिल खम्र फी तरीक 2464 नंबर की हदीस 2464। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा अंसारी के घर में लोगों को खजूर से बनी हुई शराब पिला रहा था। बहुत उम्दा शराब थी, इसलिए कि शराब हराम नहीं हुई थी अभी। लोग पी रहे थे, जाम लोगों के मुंह से लगे हुए थे, मैं किसी को दे रहा था, कोई पी रहा था, कोई अभी बाकी था। इतने में बाहर से आवाज आई, अबू तलहा अंसारी ने कहा जाओ देखो क्या है। सुनकर आए तो कहा एक मुनादी आवाज लगा रहा है, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, ए लोगों सुन लो, शराब हराम कर दी गई। अबू तलहा, शराब हराम हो गई तो फिर देर किस बात की है? अपने मुंह से लगे हुए जाम फेंक दिए लोगों ने, टूट गए। और कहा अबू तलहा ने, ए अनस जाओ ये मटके जो रखे हुए हैं शराब के, वाइन्स के, इन मटकों को ले जाकर गली कूचों में रोड पर उड़ेल दो, फेंक दो, तोड़ दो, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, शराब हराम हो गई, अब हमें नहीं छूना नहीं पीना। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक एक घड़े और मटके को उठाया और ले जा जाकर मैं तोड़ने फोड़ने लगा, ये शराब को बहाने लगा, इस कदर शराब बहने लगी जैसे सैलाब बह रहा हो, पानी, सैलाब का पानी आया हो, बह रहा हो, इतनी ज्यादा शराब थी, मैंने उड़ेल दिया सबको। हम और आप होते तो कहते चलो पीऊंगा नहीं, लेकिन बाजार में ले जाके बेच दूंगा, पैसे ले लूंगा। कितना अच्छा माइंड है बिजनेस का। मेरे भाइयों, सहाबा भी ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने, अल्लाह की कसम नहीं किया। बोलो
उन्होंने अपने आप को शराब से बचा लिया तो तामीर और तरक्की का काम किया या फसाद और बिगाड़ का? किसका मेरे भाइयों, किसका? तामीर समाज का काम किया उन्होंने। अल्लाह ताला हमारे जवानों को भी करने की तौफीक दे। लेकिन क्या कहिएगा हमारे जवानों को, आज हमारा जवान अगर तंबाकू खाने का आदि है, वो पान खाता है, पान तक मामला ठीक था, लेकिन तंबाकू पर जब मामला आया तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि इसी तंबाकू से गुटखा बनता है, मुंह का कैंसर जिससे हो रहा है आप देख रहे हैं, इसी तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी बनती है जिसको पीकर हमारे फेफड़े का कैंसर होता है, हमारे दिलों की बीमारियां लगती हैं, इसी से हुक्के बनाए जाते हैं और लोग बैठ करके हुक्के खानों में हुक्के पीते हैं, कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं। मेरे जवानों, जब इनसे कहा जाता है मेरे भाई ये तंबाकू हराम है छोड़ दो, अरे मौलाना तंबाकू हराम है? कहां है कुरान में, कहां है हदीस में? ये तंबाकू तो था ही नहीं नबी के जमाने में। बात सही है जी हाँ मेरे जवान, आपने ये सच कहा, तंबाकू नबी के जमाने में नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के हजारों साल के बाद तंबाकू दरियाफ्त हुआ है दुनिया में, और आज आपके उड़ीसा, आपके मुख्तलिफ इलाकों में, गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में, और इसी तरह से आप जाकर देखें इसकी खेती हो रही है तंबाकू की। शुरू शुरू में लोग नहीं जानते थे कि तंबाकू फायदेमंद है या नुकसान, इसलिए खाते थे, खिलाते थे, और बिल्कुल कोई गम नहीं था। लेकिन अभी साइंस ने डिक्लेयर कर दिया, कंपनियों को लिखने पर मजबूर हो जाना पड़ा, वो कंपनियां जो सिगरेट बना रही हैं, जो बीड़ी बना रही हैं, आप जाओ जरा देखो उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है। मेरे भाइयों, अभी मैंने कहा ना, फेफड़े की बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं, और गले की बहुत सारी बीमारियां, माउथ कैंसर इसी तंबाकू की वजह से। अभी मैं कुरान हदीस की दलीलें तो बाद में दूंगा, आओ दलील उस कंपनी की दे दूं जो कंपनी इसे बनाती है, क्या कहती है, हालांकि वो बेच रही है, बिजनेस कर रही है। आप इसी सिगरेट की पैकेट को उठाओ, इंडियन कंपनी कहती है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग करने से आदमी मरता है, सिर्फ इतना, बहुत ही शॉर्ट। लेकिन बाहर की कंपनियां जो सिगरेट सप्लाई करती हैं, इंपोर्टेड जो सिगरेट आती है, जो महंगी होती है, और हमारे जवान बड़े फख्र से लेकर पीते हैं, अरे मैं इंपोर्टेड पी रहा हूं, खुदकुशी कर रहे हो, सुन लो, किस्तों में खुदकुशी कर रहे हो आप, इसलिए कि उसी फॉरेन कंपनी ने लिखा हुआ है तफसील के साथ, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। जाके पढ़ लो, जुमले याद कर लो, स्मोकिंग करने से फेफड़े का कैंसर होता है, दिल की बीमारियां पैदा होती हैं, और ये बड़ा खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, लिखा है, लिख दिया है कंपनी ने, इसलिए कि अगर कंपनी लिख करके नहीं बेचेगी, उसकी कंपनी सील कर दी जाएगी, लिखो और तब बेचो। हाय रे हिंदुस्तान, जहर बेचो, खिलाओ और डिस्क्रिप्शन लिख दो, क्या कानून है, कैसा राज है। अल्लाह ताला काश वो दिल लाए कि इस्लाम का झंडा फहराए, इस्लाम के कानून तले हम जी रहे हों। आओ जवानों, ये तो आपके ग्राउंड रियलिटी की बात थी, आपके जमीनी हकीकत को मैंने सामने रखा था, इसलिए कि आपके इसी यूपी गवर्नमेंट ने किसके जमाने में, अखिलेश के बाप, क्या नाम है भाई, सब लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव, कुछ लोग कहते थे मुल्ला मुलायम सिंह, इसलिए कि थोड़ा सा उसने सपोर्ट कर दिया था, हिमायत में बोल दिया था, कभी मुसलमानों के हक में वैकेंसियां जारी कर दी थी, वही मुलायम सिंह उसके दौर में डॉक्टरों के पैनल ने एप्लीकेशन दिया लखनऊ राजधानी में, नौजवानों को बचाओ, क्यों, क्या बात है, जरा हॉस्पिटल का सर्वे कर लो, कितने जवान हमारे बेड पर पड़े हैं माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर, क्यों, गुटखा खा रहे हैं। ओ यादव जी, बचाओ जवानों को, पाबंदी लगाओ इस कंपनी पर,
नई नस्ल तबाह हो जाएगी। गैर मुस्लिम पुकार रहा है जो डॉक्टर है, गैर मुस्लिम एप्लीकेशन दे रहा है जो डॉक्टर है। आप इस खबर को जानते हैं, उससे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि आपके घरों में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, टेलीविजन, न जाने क्या क्या सोर्सेज और हथियार है। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, क्या इसके बाद भी तुम खुदकुशी करने के लिए, किस्तों में मरने के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हो? कहते हो कि कुरान में कहा है कि गुटखा मत खाओ, कुरान में कहा है कि तंबाकू पान में मत डालो, कुरान में कहा है कि सिगरेट और बीड़ी नहीं पीना चाहिए। आओ बता दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। बोलो क्या है? हराम है। हर फतूर, अक्ल में फतूर पैदा करने वाली, अक्ल को खा जाने वाली चीज, चाहे वो मुफ्तिर हो या मुस्किर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वो हराम है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं लिया कि ये अंगूर की बनाई हुई शराब हो तब हराम, ये नारियल की बनाई हुई शराब हो तब हराम, ये खजूर की बनाई हुई शराब हो तब हराम। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्लु मुस्किरिन हराम, जिसमें भी नशा आए वो चीज क्या है बोलो? हराम। जो भी अक्ल में फतूर डाले, हदीसे है, उस चैप्टर में जाकर के पढ़िए, अक्ल को खा जाए तुम्हारे, हराम। अब चाहे तुम उसका नाम तंबाकू दो, चाहे हीरोइन कहो, चाहे कोकीन कहो, चाहे कुछ और भांग और चरस कहो, जो भी नाम दो जिसे तुम जानते हो, अगर वो नशे आवर चीज है, अगर वो तुम्हारी अक्लों को खा जाने वाली है, अगर अकल में फतूर डालने वाली है, अगर वो तुम्हें बावला बना देने वाली है, तो क्या है वो बोलो? क्या है भाई? हराम। कुछ जवान हमारे अभी मुंबई में कहते थे एमडी पाउडर बड़ा अच्छा लगता है, सूंघ लेते हैं, खाते भी नहीं है, सूंघने पर क्या मजा आता है, किसी और दुनिया में चले जाते हैं। और अच्छा है कि कुरान में नहीं है, इसलिए हमें सूंघने को मिल रहा है। नहीं है मेरे जवान, है हदीस में है। जो भी नशा पैदा करे वो हराम, अकल को खा जाए वो हराम, गाली गलूस पर आमादा कर दे वो हराम, तुम्हें बहन बेटी की तमीज, बीवी और बहन की तमीज तुम्हारी चली जाए, ऐसी चीज अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो हराम है। अब अगर वो एमडी पाउडर है तो वो हराम है, अगर ऐसा करने वाली वो तंबाकू है तो हराम है, अगर ऐसा करने वाली वो शराब है तो हराम है, अगर ऐसा करने वाली वो कोकीन है तो हराम है, अगर ऐसा करने वाला वो भांग और चरस है तो हराम है। जो भी है नशा और अकल में फुतूर पैदा करने वाली चीज है तो हराम है। बोलो हदीस में है या नहीं? अब तंबाकू नहीं समझ में आई बात, अच्छा बताता हूं आगे। आप पीते हो और आपका भाई दूसरा छोटा वाला नहीं पीता है, या आपके अब्बू नहीं पीते हैं, आप अपने अब्बू के पास बैठ करके सिगरेट अगर जलाओ, अगर उसमें थोड़ी भी गैरत होगी या थोड़ा भी वो नफासत पसंद होगा, तो वो समझाएगा, बेटे क्या कर रहे हो, ये बुराई यही मेरे पास ही करनी थी, मुझे भी परेशान कर रहे हो, धुआं आ रहा है। यानी आपके अब्बू को उसका धुआं भी पसंद नहीं। और अगर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे आप पी रहे हो जहां आपके पड़ोस में कोई बैठा है हट्टा कट्टा, तो शायद वो अगर परहेज करने वाला हो तो आपको दो चार लगा भी देगा, अरे भाई चल उठ भाग, क्या कर रहा है, इधर आपको गिरा पड़ा देगा और आप रास्ता ना पाएंगे अपना, इसलिए कि उसको इसका धुआं तक बर्दाश्त नहीं। और उसी आप छोटे भाई को जो 10 साल 12 साल 15 साल का है, जिसने कभी ये तंबाकू, कभी ये सिगरेट, कभी ये बीड़ी इसको मुंह ना लगाया हो, अगर आप उसको जरा पिला दो, देखो उसका, उसके अकल का हाल क्या होता है, क्या होता है जवानों? चकराता है, बोलता है मेरे भाई जरा पकड़ो, घर ले चलो, गिर जाऊंगा, फुतूर। अब अगर इस चीज का जिक्र हदीस में है तो मुझे कहने दो इसका जिक्र कुरान में भी है, इसलिए कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 7 में, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दें उसको ले लो, टेक इट, और जिस चीज से मना कर दें उससे रुक जाओ, अवॉइड इट, अवॉइड इट।
बोलो कुरान और हदीस में जिक्र आया कि नहीं? आया कि नहीं जवानों? अभी यकीन नहीं है, आओ और दलील ले लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया नबी के बारे में उनकी तारीफ और तौसीफ करते हुए कि नबी खबीस चीजों को हराम करते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये नबी पाकीजा चीजों को हलाल करता है उम्मत के लिए और खबीस किस्म की चीजों को हराम करता है। बोलो ये सिगरेट जो भी आप पी रहे थे और आपने अपने बाप को इसका धुआं सुंघाया तो बाप उठकर चला गया, आपको मार ना सका, उसकी शफ़क़त और मोहब्बत आप पर हाथ उठाने के लिए उसे रोक रही थी, लेकिन आप किसी अजनबी के पास बैठे तो दो चार हाथ भी आपने खा लिए। इसलिए ये दलील है कि ये सिगरेट, ये बीड़ी जो तंबाकू से बना हुआ है, ये खबीस है और नबी ने पाकीजा चीजों को हलाल किया, खबीस चीजों को हराम किया है। नंबर एक। दलील नंबर दो, खबीस चीजों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करना फजूल खर्ची क्या है? तबजीर। फजूल खर्ची की दो किस्म है, एक इसराफ है कि भाई हलाल काम कर रहे हो लेकिन उसमें भी हद से आगे बढ़ गए, दावत करना था आमदनी से ज्यादा तुमने खर्च कर डाला, गए बैंक से लोन लेकर आए, कहा वलीमा है मैं बहुत हजारों को बुलाऊंगा, लोन लेकर आ गया, इसराफ है। वलीमा जायज दावत थी लेकिन उसमें आपने फजूल खर्ची की, अपनी आमदनी के दायरे में आपको रहना चाहिए। और तबजीर कहते हैं शैतानी कामों में पैसा बहाना, इस कदर बहाना कि उसमें भी हद से आगे बढ़ जाना, जैसे नाच गाना हो उसे लेकर आओ वैसे हराम है, उसमें भी फजूल रात भर ला करके बुकिंग करके और ढम ढम पम पम पैसे तमाम बर्बाद करना, इसको तबजीर कहते हैं। मिसाल दे रहा हूं, कुरान ने कहा वला तुबद्दिर तबदीरा, देखो फजूल खर्ची मत करो, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। मेरे जवानों बताओ शैतान का भाई बनना किसी को पसंद है? कुछ जवान कह रहे होंगे कि अब शैतान की जरूरत क्या है, मैं उसका काम कर रहा हूं। ऐसे नौजवानों कि अल्लाह इस्लाह फरमाए। मेरे भाइयों फजूल खर्ची से बचो, ये भी हराम काम है। अगर तुम खरीदते हो फजूल खर्ची कर रहे हो, बचा लो इन पैसों को, ये दो से तीन पैकेट, ये तीन से पांच पैकेट बीड़ी और सिगरेट्स के जो पीछे पीते हो रोजाना तुम खर्च कर रहे हो, अगर अल्लाह की कसम इन पैसों को बचा लो 30 दिन के बाद मुझे बताना कैलकुलेशन करने के बाद कि तुम्हारे कितने पैसे बच गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन बचे हुए पैसों से जिनसे तुम सिगरेट की पैकेटें लेते थे, बीड़ी की पैकेटें खरीदते थे, तंबाकू खाते थे, मलते थे, दूसरों को खिलाते थे, यही पैसे जो तुमने महीने भर बचा लिए हैं, जाओ ये इतने पैसे हैं कि तुम्हें बादाम मिल जाएगा, ये इतने पैसे हैं कि किलो भर काजू खरीद करके लाओगे, खाओगे, खिलाओगे। तो बताओ अगर इतने पैसे तुम खर्च कर रहे हो बीड़ी और सिगरेट पर, तंबाकू पर, ये फजूल खर्ची है कि नहीं? बोलो। नंबर तीन, बीड़ी और तंबाकू या तंबाकू से बनी हुई तमाम चीजें, गौर से मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो, अल्लाह के लिए यूपी और बिहार के हमारे भाइयों में बहुत बीमारी है इसकी, इसलिए मैं तफसील के साथ इसे बता रहा हूं। तीसरी दलील कि ये हराम है क्यों? इसलिए कि खुद सिगरेट की पैकेट बता रही है कि इससे फेफड़े का कैंसर, दिल की बीमारी, डेंजरस फॉर हेल्थ। तो गोया अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो अपने हाथों से हम अपनी खुदकुशी का सामान ले रहे हैं, किस्तों में मरने की तैयारी कर रहे हैं। और शरीयत ने क्या कहा? वला तुल्कु बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो, मत मारो। तीन दलीलें हैं, नंबर एक ये चीजें खबीस हैं, पलीद हैं, नंबर दो इनमें पैसे खर्चा करना क्या है? बोलो क्या है भाई? फजूल खर्ची है, याद कर लो दलील। नंबर तीन, इसको खाना खरीद करके ये खुदकुशी करना है, इसलिए कि लोग मर रहे हैं। रिपोर्ट ले लो, रिपोर्टें ले लो हॉस्पिटल से जाकर के,
तुम मत अपने आप को मारो जवान। मेरे बुजुर्गों, अगर ये आदत लग गई है, आओ अज़्म करके उठो, हम समाजी तामीर का काम करेंगे, तखरीब का नहीं, फसाद का नहीं, बिगाड़ का नहीं। अल्लाह की कसम, तुम्हारा ये इकदाम एक तामीरी संत में होगा और तुम तखरीबकारी से अपने समाज को बचा सकोगे। कितने जवान हैं जो इसी तंबाकू में मुब्तला होकर, इसी गुटके की नजर होकर, इसी बीड़ी और सिगरेट के आदि होकर अपने आप को, अपने फेफड़े को जला रहे हैं, सड़ा रहे हैं, दिल की बीमारियां हो रही हैं, मर रहे हैं। रिपोर्टें मौजूद हैं, खासतौर से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट अगर आपके हाथों में आ जाए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या कर रहा है हमारा जवान, कितना मर रहे हैं तंबाकू की वजह से, इसके बाद भी तौबा नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे यूपी के मीठे मीठे भाइयों, क्योंकि मिठाइयां बहुत खिलाते हो, ऐ मेरे भाइयों ईमान वाले, कितने हो जिनको सिगरेट बीड़ी की आदत थी, जो तंबाकू खाया करते थे, लेकिन आज हमारा साथ देने को तैयार हो कि इंशाल्लाह आज उठेंगे तो हमारे जेब में सिगरेट और बीड़ी की जो पैकेटें हैं, इसे हम कचरे में फोड़ फाड़ कर पैक कर जाएंगे। जो तंबाकू है इसे हम उगल देंगे, इसकी पैकेटें फाड़ कर हम कचरों के हवाले कर देंगे। मेरे भाइयों, क्या मैं ये जान सकता हूँ कितने हैं जो इस मुहिम में, तामीर समाज, माशरे की, समाज की तरक्की में साथ देना चाहते हैं? बोलो, है कोई हिम्मत वाला? डर रहे हैं लोग, कोई है? बस दो चार। या अल्लाह, इतना बड़ा जलसा, हो सकता है तंबाकू खाने वाले कम हो, अल्लाह ताला इनको जीरो बना दे, आपके भले की चीज है। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। सेहत तेरी खराब होगी है मेरे जवान, कैंसर तुझे होगा। बात हमारी पहुंचाने की थी, परेशराइज करने की नहीं। अल्लाह ताला हमारे जवानों को समझने और इन गलाजतों बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बीमारियों से बचने का नाम तामीरे मुआशरा, गलाजतों से और बुराइयों से बचने का नाम तामीरे मुआशरा। इसी तरह भलाई के करने का नाम भी तामीरे मुआशरा है। भलाई के काम, जैसे मदरसे बनाने की बात आ गई, मस्जिद बनाना हो गया, चलो भाई हिस्से लो, हमारे समाज में, हमारे महल्ले में मस्जिद बन जाए, कितना अच्छा काम है। तामीर समाज, तामीर तरक्की, तरक्की समाज, तरक्की माशरा। हमारे बच्चे आकर पढ़ेंगे, हमारी नमाजें अदा होंगी, यहाँ प्रोग्राम और इज्तिमाआत होंगे, लोग फले फूलेंगे, फैजयाब होंगे, आओ चंदे जमा होंगे, मस्जिद बन गई। आपने समाज और माशरे की तामीर का काम किया है, जैसे हजरत उस्मान ने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आकर के मस्जिद नबवी बनाई, इस्लामिक सेंटर, और रफ्ता रफ्ता आपकी तबलीग और दावत से मदीने की बड़ी आबादी मुसलमानों में, मेजोरिटी में आ गए मुसलमान। क्या हुआ, छोटी सी मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग पड़ गई, अब जगह नहीं है, जगह नहीं है कि 75 नमाजें आकर के लोग अंदर पढ़ सकें, बाहर जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कौन है जो ये बगल की जमीन खरीद करके मस्जिद के लिए वक्फ कर दे और इसके बदले में अल्लाह से जन्नत में घर ले ले। ये ऐलान करना था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जवान रातों रात उस इंसान के पास जाता है जो गैर मुस्लिम था, जिसकी वो जमीन थी, गालिबन वो यहूदी था, जाकर बात करते हैं हजरत उस्मान गनी, वो जवान जिसके अक्द में नबी की दो बेटियां आईं, जिनके निकाह में नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, एक का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी भी आपको दे दी। वो जवान जाते हैं, पैसे वाले थे, अल्लाह ने हमारे जवानों को भी पैसे दिए हैं, लेकिन कहां खर्च हो रहे, कौन सी लॉटरी हमारे जवान खरीद रहे, किन किन जुओं के अड्डों पर हमारे नौजवान नहीं है, जरा देख लो, किन किन फिक्स डिपॉजिट की स्कीमों में जाकर अपने पैसे नहीं जमा कर रहे ताकि सूद और ब्याज डबल ट्रिपल वसूल करें, मालदार। लेकिन उस्मान गनी जैसा मालदार बनो। उस्मान गनी अल्लाह तआला में जाते हैं, 5 सवार जमीन थी, कह सकते हो 5 बिसवा या इस तरह की चीज। बातचीत करने के बाद मुआहदा हुआ,
जो रकम उसने मांगी उस्मान गनी ने रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ा पे कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुश होकर आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लम मैंने खरीद ली है ये जमीन और मैं वक्फ कर रहा हूँ अल्लाह के लिए मस्जिद। नबी सल्लम ने दुआ किया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के लिए और वैसे भी वो जन्नत की बशारतें पा चुके थे। मेरे जवानों, क्या हम भी मस्जिद और मदरसों के बनाने में हौसला रखते हैं? क्या अगर ऐसे तकाजे आते हैं कि फला देहात में यूपी के, बिहार के, या फला कर्नाटक के, फला तेलंगाना के, फला आंध्रा के, फला झारखंड के, फला देहात में मस्जिद की जरूरत है, मदरसे की जरूरत है, तस्दीकात मौजूद है, चलो बढ़ चढ़ करके हिस्से लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो ले रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने हालांकि हैं हमारे जवान अच्छे खासे मालदार। जवानों बनो किसी उस्मान जैसा जो गनी कहलाए। अल्लाह ने उनका नाम रोशन कर दिया इसलिए कि तामीरी कामों में उन्होंने हिस्सा लिया। यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मदीने में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, जोख दर जोख इस्लाम में दाखिल होते गए। पीने का पानी कम हो गया। एक यहूदी का कुआं था, बीरे रूमा जिसे कहा जाता है, वो बेचने लगा, पैसे लूंगा तब दूंगा। बेचारे बहुत सारे गरीब मुसलमान पैसा नहीं कि पीने के लिए पानी खरीद ले। नबी सल्लम के पास ये बात पहुंच गई, हमारे बहुत सारे सहाबा पीने का पानी उन तक नहीं पहुंचता, गरीब है नहीं खरीद पाते। क्या हुआ? नबी सल्लम ने ऐलान किया, कौन है जो इन मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम कर दे और अल्लाह से इसका सवाब पाए जन्नत की शक्ल में। यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मालदार थे, जमाने के मालदार तरीन, द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ दैट वर्ल्ड इन दैट टाइम। इसीलिए गनी का लखब उनके साथ जुड़ गया। गनी मतलब रिचेस्ट, मालदार तरीन। वो यहूदी के पास जाते हैं, बात करते हैं, बात इस पर आती है, वो तैयार नहीं होता है क्योंकि मुनाफा हो रहा है ना। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अरे भाई कुछ तो बोलो, आधा ले लो, आधा तुम्हारा, तुम आधा रखो, आधा मुझे बेच दो मेरे भाइयों के लिए, मैं ले लेता हूं, पैसे देता हूं। ठीक है, कुछ हजार दिरहम में वो आधा कुआं देने को राजी हो गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने खरीद लिया। नबी सल्लम से आकर बताया, अल्लाह के रसूल मैंने आधा कुआं खरीद लिया, उसका पेमेंट मैंने कर दिया है, अब हमारे साथी वहां से मुफ्त में जाकर पानी ले सकते हैं। नबी सल्लम ने कहा, अच्छा आधा कुआं खरीदने का मतलब भी बताएगा? आओ मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में बताता हूं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान में बताता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्योंकि उस्मान गनी मुआहदा करके आए थे, आधा कुआं मेरा आधा आपका, यानी एक दिन हमारे लोग पानी निकालेंगे और आप बंद रहेंगे कमरों में, नहीं आएंगे कुएं के मुढ़ेर पर, और दूसरे दिन आप और आपके लोग यहूदी वो पानी निकालेंगे कुएं से, हमारे मुसलमान नहीं जाएंगे मुढ़ेर पर। जैसे लोग आज टंकियां भर लेते हैं, सप्लाई पानी आता है, एक दिन टंकी भर ली तो हफ्तों भर चलता है या दो दिन चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे साथियों देखो ऐसा करो, जब तुम्हारी बारी का दिन होना तो खूब पानी निकाल लो, क्योंकि इसका मुआहदा नहीं हुआ है कि कितना लिमिट, कितना लीटर तुम्हें निकालना है, इसका मुआहदा हुआ है कि आधे में हक तुम्हारा आधे में उनका है, तो जब तुम्हारी बारी हो तो खूब मेहनत करो पानी निकालने में, जमा करने में, टंकियों में भरने में, मटकों को भरने में। साहबा ने ऐसा ही किया, जब अपनी बारी आती थी तो खूब पानी निकालते खींचते थे। यहूदी ने देखते देखते कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं, इतना ज्यादा पानी मेरा निकल जाता है। उसने उस्मान गनी को बुलाया और कहा, उस्मान ऐसा करो, आधा लिया है ना, दूसरा आधा भी लेना, पूरा ले, इसलिए कि तुम्हारे लोग इतना पानी निकाल लेते हैं कि वो उसमें हमारा खसारा है, नुकसान है। तो उस्मान गनी ने कहा, ठीक, पहले गालिबन 20,000 दिरहम में दिया था उसने, दीनार या दिरहम, और बाद में 9,000 पे राजी हो गया, आधा ये दूसरा इतना सस्ता दे रहा हूं। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पे कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लम मैंने पूरा कुआं खरीद लिया और मैं इसे तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ कर रहा हूं, सब लोग पिए। सुभानअल्लाह, बोलो ये समाज और मुआशरे की तरक्की और तामीर का काम था या नहीं? बोलो मेरे भाइयों, ऐसे काम का तकाजा आज हमारे सोसाइटियों में अगर हो, हमारे समाज में हो, हमारे जवान भी कर सकते हैं।
है उनके पास दमखम, है उनके पास पैसे, है उनके पास बैंक बैलेंस, बस जरूरत है कि उनका दिल भी हो, और अल्लाह ने दिया। कर सकते हो मेरे भाई ऐसा कर। तो नेकियां करने का काम तामीर है, बुराइयों से बचने का काम तामीर है। और सुन लो, नाइंसाफी होगी अगर मैं खवातीन का जिक्र ना करूं, खवातीन भी तामीर समाज के काम में पेश पेश रहीं, उन्होंने भी अपने आप को बुराइयों से बचाया और भलाइयां करने में आगे बढ़ती रहीं। कुछ मिसालें दे दूं, पानी है? एक मिसाल देता हूं, हदीस रसूल से एक मिसाल दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी बिल्कुल ताजा तरीन एक वाकया। मैं 2 हफ्ता पहले कर्नाटक की सरजमीन मैंगलोर में था, उड़पी के पास मैंगलोर, बड़ा ही अमीर तरीन शहर है, बड़ा महजब कल्चर्ड, पढ़े लिखे लोग, 95% लोग एडुकेटेड है वहां पर, आप अंदाजा, केरला का बॉर्डर। वहां पर एक इदारा चल रहा था किराए की जमीन पर लड़कियों का, जहां लड़कियां इंग्लिश मीडियम में इस्लामिक स्टडीज, तौहीद, फिका, तफसीर, इस्लामियात, दीनियात पढ़ी। इत्तेफाक से जिस आदमी की जमीन थी उसने कहा कि ऐसा है मुझे ये बेचना है। कहा ठीक है हमसे बेच दो। मदरसा चलाने वालों ने कहा हमसे बेच दो। कहा देखो इतना रेट लूंगा। अच्छा ठीक है तो हमें मोहलत दो। कहा सिर्फ आपके लिए 3 महीने की मोहलत है, 3 किस्तों में आपको पे करना है। कोई मामूली पेमेंट नहीं थी, 63 लाख अराउंड, कई बहुत कुशादा जमीन थी, प्ले ग्राउंड था, सब कुछ था। अच्छा लोग फिक्रमंद हो गए कहीं कुछ नहीं, लेकिन खवातीन तकरीबन 800 के करीब उसमें बच्चियां पढ़ रही, 800, इसलिए कि वो अपनी नौयत का एक अनोखा इदारा था वहां पर, जो इस्लाम सीखने के लिए इंग्लिश मीडियम में इस्लाम सीखने के लिए बच्चियों को मिला, जो उसकी खसूसियत और स्पेशलिटी है। इंग्लिश मीडियम में इस्लामिक इदारे अभी तक हमने नहीं देखे जो फुल टाइम इंग्लिश मीडियम में फिका, तफसीर, तौहीद, हदीस, दीनियात, इस्लामियात पढ़ाते हैं। 3 महीने का वक्त 63 या 64-65 लाख के अराउंड पैसा जमा करना है। जानते हैं क्या हुआ? मदरसे के जिम्मेदारों ने, इत्तेफाक से फैमिली ट्रस्ट था, उन्होंने तमाम तालिबात और उनके वालिदैन को एक दिन दावत दी, ये हंगामी मीटिंग की, और उसकी फाउंडर जो एक खातून थी जो वहां की मेयर भी रह चुकी हैं साबिका, वो गैर मुस्लिम ब्राह्मण थी लेकिन मुसलमान हो गई और अल्लाह ने उनको हिदायत दी, आज वो एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर है, डाइया है। उन्होंने 800 बच्चियां और उनके वालिदैन के दरमियान एक तकरीर की, अपने जमीन का मैटर रखा और कहा ये जमीन इतने में बिक रही है नहीं तो हमारे हाथ से जाएगी, मौका सिर्फ 3 महीने का है, हमें 3 किस्तों में ये रकम देनी है। आज हमने आपको जमा किया है कि आप हमारा ताउन करें, बताओ क्या हमें ये मदरसा चलाना है? तो आइए हाथ बटाइए, नहीं चलाना है तो हाथ उठाइए। सबने हां भरी, कहा नहीं हमें ये मदरसा कायम रखना है, जारी रखना है, चलाना है, और हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैंने अपने आंखों से नहीं देखा क्योंकि उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन उस खातून के शौहर जिन्होंने इनवाइट किया था मुझे प्रोग्राम के लिए, मैं 3 रोजा कर्नाटक के दौरे पर था, उन्होंने बताया कि मौलाना मेरी खातून की उस तकरीर पर उसी मजलिस के अंदर बच्चियों ने उनकी वालिदा ने अपने जेवरात निकाले, कान की बालियां निकाली, पायल निकाले, जो भी उनके पास था ला करके हमारी खातून के झोली में उनके आंचल में डाल दिया। कहा ये हमें चाहिए मदरसा, हमें इसे लेना और खरीदना है, हमारी बच्चियों को पढ़ना है। करे 35 लाख ऑन द स्पॉट चंदा हुआ, वो जेवरात जो हमने बेचे और कुछ नकद जो उसी मीटिंग में हमारे हाथ आए,
35 lakh rupees. Can you guess? Alhamdulillah. हमारी बहनें पेश पेश हैं। उस जमाने का वाकया मैं सुनाता हूं आपको, लेकिन ये आपके अभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का वाकया है और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। 3 महीने के अंदर 3 किस्तों में चंदा हुआ और पूरा पेमेंट हो गया, जमीन हाथ में आ गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है। आज भी ऐसी रूहें मौजूद हैं, आज भी ऐसे नफूस हैं, सिर्फ मर्दों में नहीं ख्वातीन में भी, कि वो अपना दामन, अपना आंचल और अपना किरदार पेश कर रहे हैं, अपने दिल की कुशादगी पेश कर रहे हैं और इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने माल की, अपने वक्त की, अपने जान की भी देने के लिए तैयार है, अगर वाकई उन्हें सही माने में इस्लाम समझा दिया जाए। उस जमाने का एक वाकया सुनाऊं, दिल दहलाने वाला। कैसी तामीरी सोच रखने वाली थी हमारी खवातीन बहनें, अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो गौर से सुने। ये वाकया किसी और का नहीं है, ये उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा का है, जिनके शौहर अबू तलहा अंसारी हैं। तामीर समाज में क्या रोल निभाया उन्होंने। एक बार एक मेहमान आए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको इज्जत देना। बोलो भाइयों, ये तामीरी काम है या नहीं है? आज अगर कुछ सुफरा मस्जिदों में आ जाते हैं रमजान में अल्लाह के घर के लिए, मदरसों के लिए चंदा करने के लिए, तो लोग छुप छुपा कर निकल जाते हैं नमाजें पढ़कर, कहीं कोई मिल ना जाए, घर ले जाना पड़े, खिलाना ना पड़े, क्या करूं। हमारे दिल बिल्कुल तंग हो गए हैं। हालांकि नबी के साहब और साहबियात का दिल देखो मेहमान नवाजी में कैसा था। सही बुखारी किताब तफसीर की रवायत है, सूरह हश्र की आयत नंबर 9, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा, इसकी शान नज़ूल में यह वाकया दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आते हैं, लेकिन आपके घर में कुछ खिलाने को नहीं, कुछ खिलाने को नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा कौन है मेरे मेहमान को ले जाए, खिलाए, सवाब पाए। अबू तलहा अंसारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं ले जाता हूँ, मुझे दे दीजिए। ठीक है, ले जाओ। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वही जिनका वाकया अभी था कि उन्होंने शराब के मटके फोड़वा दिए, यही अबू तलहा अंसारी और उनकी बीवी का वाकया। वो लेकर के आए, अपनी बीवी से कहा कि देखो मैं एक मेहमान लेकर आया हूं और ये मेहमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर में कुछ नहीं था इसलिए मैं ले आया, मैं खिलाऊं। मेरी बेगम बताओ क्या है घर में। गई, देखा उन्होंने तो कहा, मेरे सरताज घर में बच्चों के खाने भर का थोड़ा सा है, हमारे बच्चे अगर खा लेंगे तो हमारे लिए भी नहीं बचेगा। अच्छा, क्या करना चाहिए? एक आइडिया, एक तदबीर है। क्या है? ऐसा करो बेगम कि आप वो खाना गर्म करो, बच्चों को सुला दो, आज थपकियां दे देकर बच्चों को सुला दो, बच्चे सो जाएं तो वो खाना गर्म करो, दस्तरखान पर लाकर रखो, और ये चराग जो जल रहा है ना, मैं भी मेहमान के साथ बैठूंगा खाने के लिए, लेकिन खाना तो एक ही भर का है, दो आदमी खाएंगे तो दोनों का आधा आधा होगा, मैं बैठ जाऊंगा मेहमान के साथ, मैं भी हाथ चलाऊंगा, और जैसे ही हम खाना शुरू करेंगे ना, तुम चिराग के पास जाना और उसको सीधा करने, दुरुस्त करने के बहाने फूंक मार देना, वो बुझ जाएगा, और अंधेरे में हम हाथ चलाते रहेंगे, मेहमान खाता रहेगा, वो आसुदा हो जाएगा। अच्छा ठीक, आजकल हमारी खवातीन कोई कहने की जुरत कर ले कि बच्चों को सुला दो हम अपने मेहमान को खिला देंगे, करेगा कोई जुरत? अल्लाह के बंदे क्या कह रहे हो, बच्चों को सुला दो, पता नहीं उसका झाड़ू और क्या क्या उठ जाएगा, अभी मैं सिखाती हूँ, क्या बक रहे हो। अल्लाह ताला हमारी खवातीन को समझ अता फरमाए। क्या कुर्बानी थी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की। कहती है, हाँ मेरे सरताज ऐसा ही करती हूँ, बच्चों को थपकियां दे दे करके सुलाया उन्होंने, बच्चे भूखे सो गए। मेरे भाइयों जरा अपने दिल पर हाथ रखो, बच्चों को भूखा सुलाने के बाद खाना लाकर दस्तरखान पर रखा गया, मेहमान बैठे, मेजबान बैठे, और बीबी ने अपना रोल अदा किया। तामीरे माशरा में खातून हिस्सा ले सकती है, अपने आप को भूखा रखा, अपने बच्चों को भूखा रखा,
उनका शौहर भी भूखा रहा। मेहमान को खिलाया, मेहमान अंधेरे में खाता रहा, असुदा हो गया। प्लेट से डिश खत्म हो गई और दोनों मियां बीवी भूखे सो गए। बच्चों को भूखा सुला करके रात गुजार दी। क्या हुआ जानते हैं? ये मामूली काम था। उनकी इस अदा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खुश हुआ कि सुबह फजर की नमाज में जब हजरत अबू तलहा मस्जिद में पहुंचते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर कहते हैं, अबू तलहा इधर आओ, रात में तुम्हारे काम पर अल्लाह ताला इतना खुश हुआ, तुम मियां बीवी के अदाओं पर अल्लाह इतना खुश हुआ जो तुमने मेरे मेहमान को खिलाकर अपने पेट पर पत्थर बांधे, बच्चों को भूखा सुलाया, अल्लाह इतना खुश हो गया। जिब्रील आयते करीमा लेकर आए हैं, जरा सुन लो। وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ। और ये सहाबा अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे भले उस चीज की इन्हें कितनी ही दिक्कत हो, कितनी ही जरूरत हो, कितनी ही परेशानी में क्यों ना मुब्तला हो जाए, बट दे प्रीफर अदर्स अपॉन देम। ये दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, खुद भूखा रहकर मेहमान को खिला देते हैं, बच्चों को भूखा सुलाकर मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। ये है नबी के सहाबा। कुरान करीम की आयत पर मेरे भाइयों, ये खवातीन थी जो समाज की तामीर में हिस्सा ले रही थी। खातून का वाकया क्या सुनाऊं? वफयातुल आयान जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 302 पर है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। गश्त करते हुए जा रहे हैं, दुनिया सोई हुई है। एक गली से गुजरते हुए जब आवाज सुनाई दी तो घर के दरवाजे पर कान लगा दिया। क्या बात हो रही है? रात के इस तीसरे पहर में कौन है जो बातें कर रहा है? बात जब सुनाई दी तो देखा कि एक बूढ़ी है जो अपनी बेटी से कह रही है, ए मेरी बेटी, उठो, जाओ कुएं में डोल डालकर पानी निकाल लाओ। ऐ मेरी बेटी, तुम जवान हो। क्यों अम्मी, क्या करूं पानी लाकर? अरे ये दूध हमारी ऊंटनियों ने बहुत कम दिया है, हमारे कस्टमर बहुत सारे वापस चले जाएंगे। जाओ, तुम जवान हो, रस्सा उठाओ, बाल्टी बांधो, इसे कुएं में डालो, डोल से पानी निकाल कर लाओ। ऐ मेरी जवान बेटी मेरी, सुनो, और लाकर दूध में पानी मिला दो। उस जमाने में अगर कुछ ऐसी सोचती थी तो ऐसी सोच रहती थी तो दूध में पानी मिलाते थे वो लोग। लेकिन आज मामला उल्टा है। डेयरी वाले क्या करते हैं? इतना सारा पानी है, थोड़ा सा पाउडर मिला दो, बेच दो, पानी में दूध मिला रहे हैं। बहरहाल हुआ ये, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका गुलाम ये सुन रहे हैं। बेटी ने कहा, देखो बेटी ने समाज की तामीर में हिस्सा लिया, माशरे की तरक्की की राह पर वो चल पड़ी। वो अपनी अम्मा को जवाब देती है, अम्मी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने मना फरमाया है। क्या मना किया है? बेचने वाले दूध में पानी ना मिलाओ। नाफरमानी हो जाएगी अमीरुल मोमिनीन। घर में खाने का दूध होता तो हम मिला लेते, कोई बात नहीं, बेचने वाला दूध है ना, इसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। ऐ मेरी बेटी, क्या सोच है तेरी? कौन सा अमीरुल मोमिनीन रात के तीसरे पहर में यहां खड़ा और बैठा है? कौन देख रहा और सुन रहा है? जा बाल्टी उठा, रस्सा ले ले, कुएं से पानी निकाल कर ले आ, डाल दे। क्या कर रही है अमीरुल मोमिनीन? अमीरुल मोमिनीन कौन सुन रहा है यहां रात के तीसरे पहर? मैं हूं, तुम हो, तारे और सितारे हैं, कौन है तीसरा? माँ ने समझाया, लेकिन बेटी ने, हर जमाने में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन देखो बेटी ने क्या रोल निभाया तामीर समाज का, माशरे की तामीर और तरक्की का। कहा, अम्मी ये बताओ, इल्लम यराना उमर फरब उमर यराना, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो ये बताओ क्या उमर का रब भी सो रहा है? अगर मैं लाकर पानी मिला दूंगी, अल्लाह ताला नहीं देख रहा है?
हम ही देख रहे हैं ना। और कल को अगर हश्र के मैदान में तमाम मखलूक के सामने मेरी बात पुरस हो गई, ए उम्मे अम्मारा, उम्मे अम्मारा नाम था उस बेटी का, उम्मे अम्मारा बिन सुफियान बिन रबीआ अस्सकफिया, कबीले सकीफ की थी, अगर अल्लाह ने पूछ लिया ए उम्मे अम्मारा तूने अमीरुल मोमिनीन की नाफरमानी की अपने मां को खुश करने के लिए, ए उम्मे अम्मारा तूने मेरी बात ना मानी अपनी मां को तूने खुश किया दूध में पानी मिला दिया, तो जा अपनी अम्मी से ले ले जन्नत, अपनी अम्मी से ले ले मैं नहीं दूंगा। अम्मी जरा बताओ ये जिल्लत मुझसे बर्दाश्त कैसे होगी, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मेरी बहनों हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, जरा बताओ क्या आपने रोल निभाया है, अपने किसी मुआशरे की खातून को आपने समझाया है, ये दर्स दिया है, या जानते हुए आपने तामीर समाज के इस काम में हिस्सा लिया है, क्या ऐसे आजम और हौसले आपके पास भी हैं? अगर नहीं है तो अपना जायजा लीजिए, अपना जायजा लीजिए और तामीर समाज में हिस्सा लीजिए, चाहे आप नौजवान मर्द हों या आप नौजवान खवातीन, हम में से हर एक तामीर समाज में हिस्सा लेने का हकदार है, उसे ये लेना चाहिए, इसलिए कि तकाजा है। एक आखिरी बात मैं जिक्र करता हूं, हमारे जवान तामीर समाज में हिस्सा ले सकते हैं, कैसे? शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोगों की तारीखें रखी गई होंगी, मई में मौलाना मेरी शादी है सो एंड सो डेट में आइएगा, निकाह में आइएगा, निकाह पढ़ा दीजिएगा, अच्छा वलीमा में कम से कम आ जाइए, शादियां तय हो रही है, मई का महीना करीब है, कितनी शादियां होने वाली। मेरे जवानों तुम तामीर समाज का काम कर सकते हो, बताओ कैसे? शादियां करके। कैसी शादी? जहेज वाली। ठीक है, जवाब सही है, सही है। कैसे समाज की तामीर में हिस्से ले सकते हो? सादी सुहानी शादियां करके, सुन्नत के मुताबिक शादियां करके, जैसे नबी के सहाबा ने तामीर समाज में हिस्सा लिया। आओ एक वाकया सुना दूं और तकरीर खत्म, क्योंकि वक्त मेरा खत्म हो रहा है, 6 मिनट है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जवान है, लेकिन ये मुहाजिर सहाबी हैं, मदीना आते हैं, सही बुखारी किताब निकाह बाब तरगीब फिन निकाह 5153 नंबर की हदीस। अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का भाई बना दिया, किसका? साद बिन रुबैया। ए अंसारी साद लेकर जाओ अपने इस मुहाजिर भाई को, खिलाओ पिलाओ जिलाओ अपने साथ रखो। ठीक है, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के आए और कहा अब्दुर्रहमान ये मेरी आधी प्रॉपर्टी, आधा बाग आधा घर आधी जायदाद तुम्हारी, बिल्कुल सगे भाई की तरह आधा आधा दूंगा मैं। अच्छा मेरे पास एक से ज्यादा बीवियां भी हैं, मशवरा कर लेता हूं, किसी एक को तलाक दे दूंगा, इद्दत पूरी हो जाएगी, तुम जवान हो ना शादी कर लेना। अल्लाह हु अकबर, कितनी बड़ी कुर्बानी मेरे भाई और सहाबा, अपनी बीवी को तलाक देने तक के लिए राजी, अपने भाई के लिए, क्योंकि उसकी इज्जत और इज्मत बचानी है, उनको तामीरी काम करना है उनको। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे भाई बारकल्लाहु लक फी अहलिका व मालिक, अल्लाह ताला आपके अहलो आयाल और आपके माल में बरकत अता फरमाए, मुझे अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं, एक चीज बता दीजिए, क्या है मेरे भाई अब्दुर्रहमान? कहा मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए, मार्केट कहां लगती है। कहा ठीक है चलो। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुर्रहमान के साथ गए, जा करके रास्ता बताया, बाजार की जगह बताई, टाइम बताया, क्या बिकता है क्या बेचते हैं क्या खरीदते हैं लोग, सब वाकिफ कराया। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिजारत शुरू की, घी और पनीर दो चीजें खरीदने बेचने लगे। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिजारत में कि कुछ अरसे में ताजिर मदीना कहे जाने लगे, ताजिर मदीना बिजनेसमैन ऑफ द सिटी मदीना, मदीना के ताजिर यानी अब्दुर्रहमान इतने अच्छे खासे ताजिर बन गए। उन्होंने कहा अब शादी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास महर देने भर का माल आ गया है। तो उन्होंने एक अंसारी खानदान में पैगाम भेजा, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, कबूल है? हाँ ठीक है करेंगे हम। शादी का वक्त फिक्स हो गया,
लड़की वालों ने खुद निकाह पढ़ा कर अब्दुल रहमान के घर अपनी बेटी भेज दी। कितना सादा निकाह, मदीने में, मदीने के इमाम, इमाम मस्जिद नबवी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, लेकिन शादी में सादगी का हाल यह है कि इमाम मदीना को पता ना चला। मेरे भाइयों, कितने बड़े शरफ की बात होती कि अब्दुल रहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और कहते, ऐ नबी, मेरा निकाह है, फला दिन है, आप आकर पढ़ा दीजिएगा। लेकिन इस्लाम ने वो मिजाज दिया था अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को, सहाबा को, कि अब्दुल रहमान ने यह भी जहमत नहीं की कि चल करके इमाम मस्जिद नबवी को बताऊं कि मेरा निकाह है। इसलिए कि वो जानते थे इस्लाम का मिजाज ये है कि शादी नौजवान की जरूरत है, जिसे सादगी में अदा करना चाहिए। जैसे किसी इंसान की जरूरत खाना खाना है, वो खाना खाने के लिए नबी से नहीं पूछता। किसी इंसान की जरूरत पानी पीना है, वो पानी पीने के लिए नबी से नहीं पूछता। किसी इंसान की जरूरत ऑक्सीजन लेना, हवा में सांस लेना है, ये सांस लेने के लिए वो नबी से पूछने नहीं जाता है। ये जरूरत शादी है, एक जरूरत शादी है। इस्लाम ने ये जहमत हमें नहीं दी है कि हम फला और फला को बताएं तब हमारी शादी हो। ये मिजाज सहाबा को मिला था। इसलिए उसी मदीने में अब्दुल रहमान की शादी हुई, नबी को पता नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ने आए अब्दुल रहमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा देखा तो कुछ सैफरन कलर, जाफरानी रंग लगा हुआ था, पीलापन। असल में हुआ ये कि उस जमाने में औरतों को जाफरान की खुशबू उनके जिस्म और कपड़े पर मली जाती थी, उनको भेजने के लिए ससुराल में, तैयार करने के लिए, शबे जफाव की तैयारी में ये खुशबू उनके जिस्मों पर, कपड़ों पर लगाई जाती थी, ख्वातीन को तैयार करने के लिए, दुल्हन को बनाने के लिए। ये पीला कलर अब्दुल रहमान बिन औफ ने खुद से नहीं लगाया, इसलिए कि यह कलर लगाना मना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे जवानों, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मौलाना शादी है ना तो हल्दी मेहंदी कर लूं। हल्दी मेहंदी, अल्लाह की पनाह, मुंबई के अंदर कभी आप गुजरिए शादी के मौसम में, जवान मर्द जवान औरतों को, दोशीजाओं को ये हल्दी लेकर के दौड़कर उनके चेहरे पर पोतते हुए नजर आते हैं। कितनी गंदी रस्म है जो हमारे माशरे ने अपना ली है। क्या ये इस्लाम ने सिखाया है? क्या ये मिजाज इस्लाम ने दिया है? मैं ये शुभा इसलिए दूर कर रहा हूं कि अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े पर जो जर्द रंग था, पीलापन था, ये अब्दुल रहमान ने खुद से लगाया नहीं था, ये लग गया था। कैसे लग गया था भाई? जब अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी घर आई, उन्होंने शबे जफाफ मनाया, शादी के बाद वाली रात मनाई, तो अब जाहिर सी बात है वो बीवी उनके लिए हलाल होगी। कुरान ने कहा है हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना। अब ये बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम इनका लिबास और कपड़ा हो, तो पहन लो। उन्होंने पहन लिया। जाहिर सी बात है जब बीवी और शौहर एक दूसरे का कपड़ा बन गए, अंडर गारमेंट के मालिक बन गए, तो बताइए क्या बीवी के जिस्म का रंग, उसके कपड़े का रंग शौहर के कपड़े में लग जाना कोई ताज्जुब वाली बात है? बोलो भाइयों, नहीं। तो बीवी के कपड़े और जिस्म से ये रंग हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के जिस्म और कपड़े पर ट्रांसफर हुआ था, उन्होंने खुद से लगाया नहीं था। बल्कि यही दलील है जिसकी वजह से उलमाए किराम ने कहा है, मुहद्दिसीन ने कहा है कि खुशबू लगाओ ऐ मर्दो, ऐ औरतो। लेकिन सुन लो, खुशबू अगर मर्द को लगाना है तो उसमें खुशबू होनी चाहिए, रंग नहीं। इसलिए कि रंग मना है मर्दों को। और अगर खुशबू औरत को लगाना है अपने घर में अपने शौहर के लिए, तो वो रंगदार खुशबू लगाए जिसमें खुशबू कम हो रंग ज्यादा। ये कायदा है, इसी हदीस से निकला है। तो मेरे भाइयों, अब्दुल रहमान बिन औफ, उनकी शादी का पता उस कलर से चला जो नबी ने उनके कपड़े में देखा और पूछ लिया क्या हुआ। कहा मैंने शादी कर ली है। तो ठीक है, फिर क्या दिए हो अब्दुल रहमान? हमारे अपने बुजुर्ग पूछते हैं या नौजवान दोस्त, शादी हुई, अच्छा क्या पाए हो, क्या लेकर आए हो, दो पहिया कि चार पहिया, कैसा है बेड सेट, कैसा है सोफा सेट, या सलाम, क्या अंदाज है जमाने का, कैसी तब्दीली और चेंजिंग है।
नबी और नबी के सहाबा तो पूछ रहे हैं क्या दिया है तुमने शादी की है तो, यानी महर क्या अदा किया है। वज़ना नवात मिन ज़हब, खजूर की गिठली के बराबर सोना देकर आया हूं अल्लाह के रसूल। ठीक है, अवलिम वलो बिशातिन, जाओ वलीमा करो, वलीमा करो, खुशी की दावत है, चाहे एक बकरी ही काटना, यानी मामूली ही सही लेकिन वलीमा करो, क्योंकि एक बकरी उनके लिए बड़ी मामूली थी। उनके यहां तो बकरियों का रेवड़ होता था, ऊंटों के खेत होते थे, उसमें से अगर एक जानवर कुर्बान कर दिया तो क्या हुआ, बहुत मामूली बात। एक ही बकरी सही लेकिन जरूर वलीमा करो। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने समाज और मुआशरे की तामीर में किस कदर हिस्सा लिया, शादी किस अंदाज में की, सुन्नत किस अंदाज में निभाई कि नबी को पता तक नहीं चला। जहेज की बात तो दूर है, किसी बारात की बात तो दूर है, नबी जो इमाम मस्जिद नबवी है, इमाम इंसो जा है, उसको खबर नहीं कि मेरे सहाबी और हरदिल अजीज सहाबी अशर मुबशरा का मिंबर उसकी शादी हो गई। इतनी सादा, और खर्चा किया तो सिर्फ दो। कितना खर्चा मेरे भाइयों, सो रहे हैं आप लोग, कितना खर्चा हुआ, सिर्फ दो। नंबर एक, अब्दुल रहमान ने महर दिया अपनी बीवी को, जो हर शौहर अपनी बीवी को देता है और देना चाहिए। कुछ लोग महर भी माफ कराने लगते हैं, मौलाना महर तो रख दिया हूं ना, लेकिन जब जाऊंगा मिलने तो कहूंगा माफ कर दे। गलत है, गलत है। आप हक रखते हो देने का, ये उसका हक है, दो। ये बाप और बाप कराना क्या हुआ। हाँ, अपनी मर्जी से अगर वो बीवी आपको थोड़ा सा कमजोर पा रही है और आपका हेल्प करने के लिए छोड़ दे रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने फिक्स कर लिया था मैं आपको गिफ्ट कर रही हूं, दे रही हूं, ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये रसम हमारे उस कस्बे में जहां मैं रहता हूं, मेरे बचपन के मकतब के एक साथी की शादी हुई, जो मुंबई के ताजिर और बिजनेसमैन लोगों में से था, अच्छा खासा। उसने कहा कि मेरी अम्मी ने कहा है मौलाना कि देखो जाना ना तो पहले महर माफ करा लेना, ऐसे मत चले जाना, बैठ जाना, पहले महर माफ करवा लेना। तो क्या करना चाहिए, अल्लाह अकबर, हमारा जवान बिजनेसमैन है, ताजिर है, अच्छा खासा कमाने वाला है, लेकिन जमाने की रस्म है उसे निभाना है, इसलिए कि अम्मी ने कहा है माफ करा लेना। कैसा जुल्म है, हक है उनका, हक है उनका, हक दो, अदा करो। तो मेरे नौजवान अब्दुर्रहमान बिन औफ ने महर दिया, नंबर एक। और दूसरा एक और खर्च है शादी में, क्या है, क्या है, नहीं करना चाहते जवानों, शादी करोगे ना तो नंबर एक महर देना पड़ेगा, एक और खर्चा है करना पड़ेगा, क्या है, क्या है, वलीमा। अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। यही दो खर्च है शादी में, तीसरा और कोई खर्च नहीं। और सुभान अल्लाह, ये दोनों खर्च शौहर को निभाना है, बीवी को नहीं, शौहर के घर वालों को निभाना है, लड़की के घर वालों को नहीं। इसलिए कि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम जानता है कि आज वो बेटी अपने घर से रुखसत हो रही है, माँ बाप को छोड़ रही है, बहन और भाइयों से जुदा हो रही है, आज उसकी आंखें रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, ऐसे में बारात भी वो खिलाए, ऐसे में जहेज का इंतजाम भी वो करे, उसके ऊपर जुल्म होगा, इसलिए चलो इसके ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं, ये सुकून के साथ अपने शौहर के घर चली जाए। मेरे भाइयों, मुझे कहने दो कि आपके घर में अगर एक बकरा आता है, आप एक जानवर ला करके पालते हो, तो उस जानवर को भी कुर्बानी के दिन जब जबह करने की तैयारी आप करते हो, आप अपनी छुरी तेज कर रहे होते हो और अपने बकरे को पकड़कर मजबे की तरफ ले जाते हो ताकि उसे सुलाकर अल्लाह का हुक्म मानकर उसे कुर्बान कर दो, तो वही बकरा जिसको आपने सिर्फ दो महीना पाला, किसी ने छह महीना पाला, किसी ने साल भर पाल करके उसे बड़ा किया, वो बकरा जो आपके बेड पर अब सोता था, वो बकरा जो आपके बगल बगल घूमता था, वो बकरा जो आपके साथ बाजारों में जाता था, वो बकरा जो आपके बच्चों के साथ खेला करता था, आपके बच्चे उसी बकरे पर छुरी चलाते वक्त आपका दामन पकड़ना खींचे, आपका हाथ रोकना चाहते हैं छोटे नन्हे मुन्ने, अब्बू हमारा बकरा आप इसे काट दोगे, अब्बू मेरा बकरा जो मेरे साथ खेलता था उसे सबर कर दोगे। मेरे भाइयों, ये बच्ची जिसकी शादी 20 साल के बाद हुई है, जिस बाप ने जिस मां ने इसको 20 साल तक पाला पोसा है, उसको गोद में खिलाया है,
उसके दुख दर्द को महसूस किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है। मेरे भाइयों, आज 20 साल के बाद वो अपने लखते जिगर आपके घर भेज रहे हैं। बताओ, क्या बाप की आंखें नम होंगी या नहीं? बोलो। क्या आज उसकी मां रोएगी या नहीं? बोलो। क्या आज उसके भाई और बहनें आंसू बरसाएंगे या नहीं? जरूर। ऐसे में जहेज का डिमांड अगर आपकी तरफ से हो तो क्या यह जुल्म नहीं है? ऐसे में अगर बारात को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, क्या उन पर जुल्म नहीं है? जबकि इन चीजों का सबूत नबी के सहाबा से है। मेरे जवानों, आओ अपने चाल ढाल को बदलो, पॉजिटिव वे में आओ, सोचो और फिक्र में तब्दीलियां लाओ, जमाने के रीत और रिवाज के पाबंद मत बनो। कि ये हिंदुआना तहजीबों की रस्में हैं जो हम और आप निभा रहे हैं। आओ इस्लामी शादियां करने का आज़म करके उठो कि हमारी शादी भी वैसी होगी इंशाअल्लाह जैसे अब्दुल रहमान बिन औफ की हुई थी। अल्लाह हमारे जवानों को ऐसी शादी करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये वाज़े कर दूं कि मेरे जवानों, अगर आप मांगते हो उसके गलत होने में कोई शुबा नहीं। कि आप मांगते हो, कहा जाएगा आपको? फोर व्हीलर लेके घूम रहे हो, कह रहे हो कि दूसरी मर्सिडीज चाहिए। मांगते नहीं हो, हो। लेकिन अगर कोई लड़की वाला अपनी खुशी से अपनी बेटी का घर बसाने के लिए दामाद की जरूरत समझकर कोई चीज अपनी खुशी से दे दे, अल्लाह की कसम उस सामान को आपके लिए लेना बिल्कुल हलाल है। शरीयत आपको नहीं रोकती, ना कोई आलिम आपको रोकता है। हो सकता है सद्दन लिबाब इस जरिया कुछ लोग कहें कि मेरे जवान तुम अपनी कमाई कमा सकते हो, खा सकते हो, खिला सकते हो, ये भी मत लो। हालांकि मांगा भी नहीं, लेकिन अगर आपने लिया तो हलाल है आपके लिए, आपने घर में बसाया उसको तो हलाल है आपके लिए। आप यकीनन इसे रख सकते हो, इसलिए कि एक मॉडरेट बात है। आपने जबान से कोई चीज नहीं कही, इशारे किनाए में भी आपने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हमारा कुछ डिमांड है या हम कुछ मांगना चाहते हैं। लेकिन सामने वाले ने, बेटी वाले ने अपनी खुशी से आपका घर बसाने के लिए, आपकी कमजोर हालत को देखकर अगर उसने आपका घर बनवा दिया, उसने आपके लिए पलंग का इंतजाम कर दिया, उसने आपके लिए किसी और जरूरत का सामान आपको दे दिया, खुशी से आपके मांगे बगैर, आपके किसी इशारे के बगैर, आपके ताने तशरी के बगैर, बोलो हलाल है कि नहीं? हलाल, जायज। इस दायरे में रहो, मांगने की हद पर मत जाओ। अल्लाह की कसम हराम है, इसके हराम होने में कोई शुबा नहीं। अल्लाह ताला हमें, हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को समाज और मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।